I, Dr. Naveen Javed, Assistant Professor of English and Advisor, IEB Character Building Society, along with Mr. Ambassador Mehdi, Co-Advisor, IEB Performing Arts Society, take this golden opportunity to stand before you to extend a warm welcome to everyone to the oath-taking ceremony for the office bearers of IEB Student Society's Term 2022 and distribution of IEB Roll of Honor Award Year 2021. Mohammad Ali Rahman, Governor of Punjab and Chancellor of the Islamic University of Bahawalpur, we are thankful to you for providing your precious presence to join us today to enhance our joy. Student societies at a university have students become well-rounded individuals and bring colors to campus life. Before 2019, the basic aim of the direct weight of students' affairs was just to maintain discipline in the campus. The Vice Chancellor, Engineer Professor Dr. Adam Nabur, joined the Islamic University of Bahawalpur in 2019. On the direction of the Vice Chancellor, Dr. Adam Hussain took initiative and 11 student societies were formed in 2019. Under the umbrella of the Trade of Students Affairs. These societies are promoting co-curricular activities and providing opportunities, resources and support to students to organize seminars, workshops, exhibitions, competitions to make their stay an inspiration to all of us. The Deputy Vice Chancellor, Engineer Professor Dr. Adam Mehboob, to please come for welcome and rest. Put your hands together and welcome. इंजीनियर वलीउर रहमान साहब गवर्नर पंजाब और चांसलर इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर मौजूद मेहमानानी ग्रामीण यूनिट्स ऑफ द फैकल्टी टीचर्स पार्लियामेंटेरियंस मीडिया और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदगान अस्सलाम वालेकुम सर ये अजीबोशान तकरीब मुझे मौका फराहम कर रही है कि मैं जनूबी पंजाब इस दानिशगाह में और इसके बारे में कुछ मालूम आपको फराहम करूँ। मैं इस बात का जिक्र करना ज़रूरी समझता हूँ कि इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर पहली बार टाइम्स हायर एजुकेशन की रैंकिंग में 1000 आलमी यूनिवर्सिटियों में शामिल हुई है। इसके अलावा इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर टाइम्स हायर एजुकेशन में टॉप 500 एशियाई यूनिवर्सिटियों में शामिल हुई है। यूनिवर्सिटी रैंकिंग में इस साल 637 पोजीशन पर पहुंची है जबकि पाकिस्तानी यूनिवर्सिटियों की रैंकिंग में 11वीं पोजीशन पर है। क्यों इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर को रैंकिंग के एतबार से जनूबी पंजाब में पहले नंबर की यूनिवर्सिटी करार दिया जा सकता है। सर इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर इंतजामिया इस अंदाज से तालीमी इस्तेहार और मयारात ला रही है जिससे इसे कौमी और बैन अवी सतह पर कबूलियत हासिल हो। ये एक ऐसा इदारा है जो ऐसे तकनीकी इंतजाम पैदा करने और इंसानियत की भला के लिए काम करने के लिए गामजन है। हमने कामयाबी से जामिया में शफाफ और मेरिट पर मबनी ऑनलाइन एडमिशन सिस्टम मुतारिफ कराया जिससे आलमगी सतह पर इस्तेमाल किया जा सकता है। हमारी जदीद इंतजामी सहूलियात में ऑनलाइन दाखिले और शफाफ अंदाज में भर्तियाँ शामिल हैं। इन इसहा के तहत जामिया में फैकल्टीज की तादाद 7 से बढ़कर 16 शोबजात की तादाद 48 से बढ़कर 130 और तलबा की अखलाकी तरबियत और जज्बे हुबुल वतन की बेदारी के लिए शोबे फालियात ख्वाजा फरीद शेर सर साजिद मोहम्मद खान अब्बासी पंजम शेर की तरतीबाव की गई। दाखिला पॉलिसी को नए सिरे से मुरतब किया गया और इस मकसद के लिए डायरेक्टरेट ऑफ एकेडमिक्स डायरेक्टरेट ऑफ आईटी और डायरेक्टरेट ऑफ आउटरीच कम्युनिकेशन एंड पब्लिक रिलेशन को डिजिटल मेगा दाखिला मुहिम का टास्क दिया गया।
और एक मिशन की बड़ी प्रार्थना होने का आगाज किया है। गुजशत सालों में बदरुद्दीन इस्लामिया यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने वाले स्टूडेंट्स का इजाफा होता जा रहा है। इसके साथ 1,52,000 दरखास्तें मौसूल हुई और 14,500 तलबा उतारबाद को दाखिला दिया गया। वाजह है कि हमने तलबा की तादाद में इजाफे के साथ साथ उनके लिए दस्तियाब सहूलियात की फराहमी को भी मुमकिन बनाया है। ट्रांसपोर्ट का दायरा का 60 किलोमीटर तक बढ़ा दिया गया ताकि रोजाना की बुनियाद पर दूर से आने वाले तलबा खूब तलबा को जहनी आपूर्ति हासिल हो। हॉस्टल की तादाद में इजाफा किया गया। हुकूमती स्कॉलरशिप के अलावा मुख्य हजरात और इदारों से स्कॉलरशिप हासिल की गई है। क्यों हमारे यहाँ तकरीबन 40% तलबा स्कॉलरशिप पर तालीम हासिल कर रहे हैं। सर 2020 में यूनिवर्सिटी मुहिम का आगाज़ किया गया और इस साल इसके नतीजे में तमाम असातिज़ा मुलाज़मीन और तलबा की स्क्रीनिंग और वैक्सीनेशन की गई है। तलबा की तादाद के इजाफे के सबब इस मुहिम को इस साल तकदीर तक ले जाया जाएगा। इसी तरह हमने कोरोना फ्री यूनिवर्सिटी की मुहिम का आगाज़ भी किया और अल्हम्दुलिल्लाह कौमी सतह पर फ्री यूनिवर्सिटी वो यूनिवर्सिटी है जिसके तमाम असातिज़ा मुलाज़मीन और तलबा 100% वैक्सीनेटेड हैं। यूनिवर्सिटी में तरक्की और तोसी के अमल में काबिल और मेहनती अपराधी कोर के इजाफे के लिए तदरीसी और इंतजामी दोनों शोबों में हर सतह पर भर्तियों का आगाज किया गया। अब तक 20 से ज्यादा सिलेक्शन बोर्ड और 30 से ज्यादा सिलेक्शन कमेटियाँ मुनद हो चुकी हैं जिनके जरिए 2,200 से ज़्यादा टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ का तकरर अमल में लाया गया। इस तरह फैकल्टी की तादाद को 500 से बढ़ाकर 1,200 किया गया ताकि तदरीस और तहसील के लिए अलग अलग अपराधी कोर दस्तियाब हो और मैार में भी इजाफा हो। यूँ तकरीबन 800 असातिज़ा का तकरर हुआ जिसमें प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, लेक्चरर और एसोसिएट लेक्चरर शामिल हैं। इस्लामिक यूनिवर्सिटी बहावलपुर को शमसी तवानाई पर मुंतकिल कर दिया गया है और 2.5 मेगावाट सोलर पावर प्लांट मुकम्मल तौर पर फ़ाल है। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर की इंटर कॉपिंग प्रोजेक्ट को सीटेट के मनसूबों में शामिल किया गया है। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर में नेशनल क्वांटम ब्रीडिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट का अफ्ताह किया गया। चोलिस्तान के 6 मिलियन एकड़ से गायब रकबे को एग्रो इकोनॉमिक जोन में बदलने के लिए हुकूमत पंजाब के तावन से खसूसी मौसमियाती निज़ाम के जरिए बारिशों को 100 मिलीमीटर से बढ़ाकर 600 मिलीमीटर तक लाने के मनसूबे पर तेजी से काम हो रहा है। ये मनसूबे जरिए मीशन और नेशनल सिक्योरिटी के लिए गेम चेंजर्स की हैसियत रखते हैं। इसके अलावा सर ये भी बताते चलूँ कि हायर एजुकेशन कमीशन की रैंकिंग के मुताबिक स्पोर्ट्स में इस्लामिया यूनिवर्सिटी पाकिस्तान की दूसरी बड़ी पब्लिक यूनिवर्सिटी बन गई है। सर हमारी कामयाबियाँ हमारा सफाया इफ्तिखार है। हमारी ख्वाहिश है कि हम हायर एजुकेशन के चंद बेहतरीन इदारों की फहरिस्त में शुमार किए जाएँ। हमने बेहतरीन तलबा स्कॉलर और लीडर्स पैदा करने का मनसूबा तरतीब किया है। ताहम ये अहदाफ आपकी मदद और खूबी तवज्जो के बगैर मुमकिन नहीं। हम नजरिए चांसलर ऑफिस विभागी और सूबाई हुकूमतों और हायर एजुकेशन कमीशन के हर किस्म के तावन और इमदाद पर इंतहाई शुक्रगुजार होंगे। हम चाहते हैं कि इस खत्े के सरकर्दा लोग हमारे फौरन की तकलीम और मैार के उसूल के लिए हमारे शाना बजाना खड़े हों। मैं अपनी तकलीफ का अख्ताम एक बार फिर अपनी तमाम फैकल्टी इंतजामिया और तमाम तलबा और तलबात की तरफ से सर आपकी तशरीफ आवरी के लिए शुक्रिया करूँगा। सर हमारे लिए आपकी आमद बाई से सर इफ्तार है। शुक्रिया इज्जत मंद। नाउ इट्स टाइम फॉर द सिलेक्शन ऑफ द प्लेयर्स फॉर द टर्म 2022 टू टेक एन ओथ दैट यू आर रेडी टू एक्सेप्ट योर रिस्पांसिबिलिटीज फॉर योर एक्शंस। मैं तमाम जितने भी हमारे मेंबर्स हैं सोसाइटीज के उससे तलाश करूंगा कि वो अपनी नशिस्तों से खड़े हो जाएं और अपनी फाइल अपने हाथों में थाम लीजिए और नहायत ही अदब से गुजारिश करूंगा, अर्ज करूंगा चांसलर इस्लामिक यूनिवर्सिटी बहावलपुर गवर्नर ऑफ पंजाब जिला इंजीनियर मोहम्मद अलीपुर रहमान से जिनका और हमारे तलबा तलबा से आज की इस तकरीब के हर पर
Asisita Murthy also, he is mentor and advisor of this guy. Professor Dr. Asisita Murthy, please come up. Mr. Akin Dugav served as Vice President IUP Pediatric Burning Society, President IUP Health and Safety Society, and involved as member organizing committee of various university level and society level events and activities. Incidentally, the second name is Mr. Hafiz Darshan. But I would like to call upon the stage first, Dr. Ziaullah, Co-Ed Vice Admirator, IUP Sports Promotion Society. Please come. Mr. Hafiz Marjan Heather served as General Secretary and President IUP Sports Promotion Society and involved as member organizing committee of various university level and society level events and activities. The third person in this category, Mr. Muhammad Shantaz Saeed, nominated by IUP India on campus Performing Arts Society. And I would like to call upon the same person, Advisor and member of IUP India on campus Performing Arts Society, here Muhammad Ahmad. Mr. Mohammad Shahab Saeed served as President IUP India on campus Performing Arts Society and involved as member organizing committee of various sub campus level and society level events and activities. Incidentally, there is another person. He is Mr. Muhammad Shahzad Saeed, nominated by IUP India campus. Next category is two curricular activities for the year 2021. The first one is Mr. Nadeem Akram, as he is selected as a second lieutenant in Pakistan Army, and his father, Mr. Muhammad Akram Belkisi, IUP University. And the advisor and mentor, Mr. Sushant Kalasu, will come along with him. So give them a big round, please. Now, Nadeem Akram secured first position in regional level in the university speech competition by Lab Mutan, second position in online speech competition by the Unitarian Syndicate Society, and third position in essay writing competition. Mr. Nadeem Akram ke walid ka award wasool kar rahe hain ke isse badhke co-curricular activities ke andar hamari jo dusri मेंबर है जिनको किया जा रहा है और ऑर्डर इनका ताल्लुक दो सोसाइटी से आईयूपी करंट लास्ट सोसाइटी आईयूपी परफॉर्मिंग आर्ट सोसाइटी मैं दोनों एडवाइजर्स जनाब डॉक्टर मोहम्मद सईद शेख और प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल गाजी खान साहब से कमला के तशरीफ लाए और आपके भरपूर तालियों में रोल ऑफ ऑनर के लिए मिस फाहम ताहिर उनका नाम है आदिजा आयशा मुनीर आईयूपी लास्ट सोसाइटी से
मैं एडवाइजर और मैंटर जो है तलाब प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद सईद के साथ में जाऊँगा के लिए रहेंगे और आपके बहुत आलमिया आपका आयशा मुनीर for Pakistan Bolivi in 2021 and secured first position in our competition at the region level Young Pakistan Organization Multan. Our third category has host for the year 2021 और सबसे पहले तो मैं दावत दूंगा हमारे मेंटर एडवाइजर डायरेक्टर डॉक्टर अमरीन मकसूद डायरेक्टर स्पोर्ट्स उनका नाम है मिस अरुण जयू सर भरपूर होनी चाहिए स्पोर्ट्स में हमारे पास बहुत बड़ा नाम है उनका इसी कैटेगरी में अगला नाम है मिस अकीला अजीज का जो नॉमिनेटेड है और सिलेक्टेड है बाय द डायरेक्टर स्पोर्ट्स और मैं डॉक्टर अमरीन मकसूद से कहूंगा कि वो यही रहे और आपके जरूर तालियों में मिस अकीला अजीज Yes, Akila Aziz secured gold medal and bronze medal in intervarsity and silver medal in national championship. Sports category में अगली नौकरियां लगी हैं हमारे के सैयद काशान मुखारी और उनके भी जाहिर मेंटर और डायरेक्टर हैं डॉक्टर अमरीन मसूद भरपूर तालियों में सैयद काशान मुखारी Thank you, madam. It's time to present the award of appreciation. पहला award appreciation का है, Mr. Rizwan Majid, Director, Student Affairs, Islamic University of Powerful. On behalf of the Secretary of Under the leadership of the Vice Chancellor, he has transformed Directorate of Student Affairs Office as Facilitation Office and hub of co-curricular activities for 16,000 students. दूसरा एप्रिसिएशन अवार्ड है डॉक्टर अजय सेन कोऑर्डिनेटर आईयूबी स्टूडेंट सोसाइटी ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द एडवाइजर्स एंड को एडवाइजर्स मेंटर्स एंड ऑफिस बेयर ऑफ आईयूबी स्टूडेंट सोसाइटी सेंटर ऑन डायरेक्शन ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ चांसलर डॉक्टर अजय सेन हैज एस्टैब्लिश्ड स्टूडेंट सोसाइटीज इन द यूनिवर्सिटी एंड प्रमोटेड को-करिकुलर एक्टिविटीज इन द यूनिवर्सिटी स्टार्टिंग फ्रॉम वन Society, 150 student societies and clubs in 3 years. And third award, the last one, Mr. Shahzad Ahmed Khalid, Director of Press Media and Publication. Mr. Shahzad Ahmed Khalid played a significant role in establishing student societies. Thank you, sir. Thank you so much. Many congratulations to all on winning this IUB Roll of Honor Award. We wish you all the best. एक और फोटो के लिए हमारे जितने Roll of Honor से को मिला है वो सामने तस्वीर क्या है?
इंजीनियर्स के लिए बहुत सारे लैब होने चाहिए, यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर गवर्नर ऑफ पंजाब इंजीनियर मोहम्मद अली को डेमान से दरखास्त करूंगा कि तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। आपकी भरपूर my worthy Vice Chancellor, Engineer Professor Dr. Dr. Musa, I also see a worthy Vice Chancellor of Common College Women University in Bahawalpur, Dr. Saika Imtiaz Nasir Saiba. Very respected deans, faculty members, और बहुत ही प्यारे तलबा तलबात और हाजरी बच्चे अस्सलाम वालेकुम। मुझे मालूम हुआ कि आज स्टूडेंट सोसाइटीज की तो मैं इंकार नहीं कर पाया, ऐसे बहुत सी छुट्टियाँ, लेकिन हमेशा जामिया में आना और जामिया के अंदर आप जैसे स्कूलों को बढ़ता हुआ चढ़ता हुआ आगे बढ़ता हुआ देखना है मजबूत फोन गर्वा होता है। मैं आपकी तमाम फैकल्टी और वाइस चांसलर मुबारकबाद देता हूँ कि बहुत से अच्छे इकदाम नए इनिशिएटिव ने इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावल को पूरे पंजाब ही नहीं पूरे मुल्क में नए मकाम बना दिया। आपकी स्टूडेंट सोसाइटीज में उस तमाम सोसाइटीज में हैं बड़ी प्रेसिडेंट बड़ी रेलिवेंट और सब में उनकी चुना गया है उनका क्या काम होगा, लेकिन कुछ चीज़ें मेरे लिए बहुत ज़्यादा खुशी का बात है देख के करेक्शन बिल्डिंग सोसाइटी आप अगर पूरी दुनिया का इल्म भी हासिल कर लें पूरी दुनिया के नॉलेज के साथ साथ स्किल्स भी हासिल कर लें, लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा अनलेस यू आर एबल टू मॉडुलेट योर कैरेक्टर जब तक आप अच्छा किरदार नहीं अपना एक्सिबिट करेंगे जब तक आप अच्छे किरदार पे और अच्छी तरबियत पे और अच्छे असूलों पे अमल पैरा नहीं होंगे उस वक्त तक आप किसी भी महारत को ग्रेटनेस नहीं ला सकते। इट इज योर करेक्टर विच ब्रिंग्स ग्रेटनेस इन यू। हमेशा इस बात पर कारबंद रही है ऐसे एथिक्स मॉरल्स इंटेग्रिटी का मुजाहरा कीजिए और ये जामिया का जो आपको माहौल भी इस पर मैसर आया दुनिया में और पाकिस्तान में बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको ये फैसिलिटी या ये सहूलत मैसर नहीं, इससे सीखिए और अपने आप को तैयार कीजिए कि जब आपने दुनिया में जाना है तो आप इतने वेल इक्विप्ड हों आपके पास नॉलेज स्किल भी हो और साथ साथ वो तरबियत भी हो तो दुनिया की बिग बॉस आपको कहीं गिरा सकते।
ये एनवायरमेंट प्रोटेक्शन सोसाइटी को देख के भी बहुत खुशी हुई, लेकिन इनकी नीड ऑफ द डे क्लाइमेट चेंज एनवायरमेंट स्मॉग पोल्यूशन बहुत से इश्यूज हमारी जिंदगी को भी मुतासर कर रहे हैं, हमारी इंडस्ट्री को भी मुतासर कर रहे हैं, हमारी एग्रीकल्चर को भी मुतासर कर रहे हैं। हर सांस के साथ इशू जुड़ा हुआ मुल्कों की कौमी पैदावार नेशनल प्रोडक्टिविटी आउटपुट इन इश्यूज की वजह से असरअंदाज और मुतासर हो रहे हैं। ये भी बहुत ही रेलिवेंट सोसाइटी है। मुझे खुशी है कि आज इस पोर्टल का यहाँ पर हमने इतफा किया वो कंसोर्टियम ऑफ क्लाइमेट चेंज पे इस्लामी यूनिवर्सिटी के लिए लीड दे रही है, जो कि बहुत ही हौसला अफजा और काबिल कदर बात है। आज खूबसूरत वर्दियों में मरबूस स्काउट्स को देख के और गर्ल गाइड को देख के भी बहुत खुशी हो रही है। गवर्नर पंजाब चीफ स्काउट भी होता है और बेगम गवर्नर प्रेसिडेंट ऑफ गर्ल्स गाइड पंजाब भी होती हैं। ये भी मेरी जिम्मेदारी है और इंतहाई मसूदे के बाद माय फर्स्ट मीटिंग माय ऑफिस अल्हम्दुलिल्लाह वाज एबल टू कंडक्ट मीटिंग्स अबाउट बॉय स्काउट्स एंड गर्ल गाइड पंजाब और इंशाल्लाह बहुत सी चीज़ों पर काम करने का इरादा रखते हैं। और उनमें से एक चीज़ एक इनिशिएटिव ये भी होना था कि यूनिवर्सिटीज में इस काम को उभारना था, लेकिन इस्लामिक यूनिवर्सिटी ने यहाँ भी लीड ले लिया और माशाल्लाह के काम volunteer your work for the betterment of society, that is indeed incredible. And keep it up, inshallah, aap ye hamesha kaamyaab rahega. Ye student, government ka kaam hai ki inviting environment kaisa hai. Is baat mein hame bahut khushi bhi hai aur bahut fakhr bhi hai. और यकीन हम इंसान हैं, कमियां रह जाती हैं तो उससे इंशाल्लाह उन कमियों पे इस्लाह की कोशिश की है। ये पिछला जो दौर गुजरा 2013 से था उसमें जितनी जामियात की बेहतरी के काम हुए उसकी नज़ीर पाकिस्तान में नहीं हुई। HEC के जरिए 2013 में जब हमें जिम्मेदारी मिली थी HEC के जरिए तमाम मुल्क की सरकारी जामियात को कॉम्प्लेक्स एक्सटेड यूनिवर्सिटीज को तकरीबन 34 अरब रुपये सालाना दिए जाते थे, वो भी कभी रिलीज हुए थर्ड फोर्थ क्वार्टर रिलीज हुए नहीं होते। हमने आज ही उस रकम को 5 या 10% ही बढ़ाया था। पहले साल तकरीबन 48 अरब पे ले गए, अगले साल तकरीबन 64 अरब पे ले गए, फिर 86 अरब पे ले गए, फिर 100 अरब रुपये से भी ऊपर, और आखिरी साल जब 2018 में हमने बजट पास किया था तो तकरीबन 120 अरब रुपये। और आज जब बदकिस्मती से उसके अगले 4 सालों में वो बजट HEC का कायम नहीं रह सका और कम करके पहले साल 120 अरब की बजाय 60 अरब रिलीज किए गए और बाद में भी कम अमाउंट की गई, लेकिन अब जब इन मुश्किल हालात में हुकूमत मिली है जिसमें बहुत से इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं, फिजिकल चैलेंजेस हैं, और जितना भी बजट प्रपोज किया गया था HEC के लिए यूनिवर्सिटीज़ के लिए अलहमदिल्ला उसमें भी अगर अच्छी खबरें ये थी कि हमने तमाम तरफ से पैसे काटने हैं और अपनी जो बहुत सी माशी मुश्किल हैं उसमें लगाने हैं, लेकिन हायर एजुकेशन और एजुकेशन एक ऐसा एरिया था इसमें पैसे काटने की बजाय मौजूदा हुकूमत ने उसमें खाते का इजाफा किया। 1 अरब रुपये वेटरन ग्रांट में इजाफा हुआ है और 68% डेवलपमेंट ग्रांट ऑफ HEC इजाफा हुआ है और पंजाब गवर्नमेंट ने अपने इजाफे किए हैं। मैं यूनिवर्सिटी की एग्रीकल्चर में भी एडवांसमेंट और लीफ वायरस में जो वराइटीज बनाई जा रही है उसमें इंटरक्रॉपिंग इन सोयाबीन में और ऑनलाइन क्लासेस का
ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज बढ़ाने में, हॉस्टल की फैसिलिटीज बढ़ाने में और हेपेटाइटिस स्क्रीनिंग और उसकी प्रिवेंशन के लिए वैक्सीनेशन कंडक्ट ऑनलाइन करने में यूनिवर्सिटी की इनिशिएटिव की टेस्टिंग कर रही है। जिस तरह मैंने आपसे बताया कि बजट में 2013-14 इजाफा किया गया था, तो उस वक्त ही हमने लीनिया का कैंपस को बिल्डिंग ली थी, 70 करोड़ रुपये की ग्रांट दी थी, बहावरपुर में तकरीबन 84 करोड़ की ग्रांट इस कैंपस को दी थी। आज मैंने वो बिजनेस स्कूल जाकर देखा है जो उस वक्त ही दी थी ग्रांट से मुकम्मल हुआ था। और इसी तरह हावर नगर कैंपस के लिए तकरीबन 54 करोड़ रुपये 540 मिलियन रुपीज़ की ग्रांट दी थी। और इस अलावा ये सिलसिला आगे जारी रहेगा और रहना भी चाहिए। जब ऑफिस सेक्टर यूनिवर्सिटीज की ग्रांट्स कम हुई तो बहुत सी यूनिवर्सिटीज इस वक्त फिजिकल चैलेंजेस का सामना है, लेकिन इस्लामी यूनिवर्सिटी ने बहुत बेहतर परफॉर्म किया, फिजिकल इश्यूज को भी बहुत बेहतर डील किया जो कि बहुत काबिल कर रहे हैं। मैं चाहूँगा कि आप फलिस्तान के जो काम कर रहे हैं उसको मजीद बढ़ाएं, ये आपके लिए बहुत बड़ा एसेट है। फलिस्तान का इस यूनिवर्सिटी के साथ होना और ये एनवायरनमेंट जो प्रधानों से माला पाल है उसके ऊपर मजीद काम करने की ज़रूरत है। मैं चाहूँगा कि कैरेक्टर डेवलपमेंट पे मजीद काम किया जाए, तालीम और स्किल्स के साथ साथ बच्चों में किरदार साजी और उनकी तरबियत पर जोर दिया जाए ताकि हमारे तमाम स्टूडेंट्स हमारा फॉरेस्ट हैं वो भरपूर तरीके से जाके पूरी दुनिया में हमारे मुल्क का और हमारे इलाके का उस यूनिवर्सिटी का नाम रोशन कर सकते। जिस स्टूडेंट्स क्रिश्चियन रेवोल्यूशन कोलैबोरेशन की बात करती है कि कोलैबोरेट कैसे करनी है, आप सीखिए कि प्रॉब्लम्स कैसे पैदा करनी है, आप सीखिए कि प्रॉब्लम्स के अलावा अंडरस्टैंडिंग अदर पॉइंट ऑफ व्यू के अगर किसी की आकाय या किसी का मतलब या किसी का आर्गूमेंट में किसी पोलिटिकल वीकनेस को किसी पर्सनल वीकनेस को आड़ है माता नहीं, दूसरों की राय का एहतराम कीजिए और अपनी राय को ऐसे तरीके से बयान करें स्पोर्ट्समैन स्पिरिट यही है कि हम कंप्लीट करें, अपने अंदर पैशन पैदा करें, जज्बा पैदा करें और अगर हम जीतते हैं तो उसका देखिए कि तमाम जिसको मन लगता है रंग को उस पर चलता है उस तरह जीते हैं। अगर हम हारते हैं तो ये देखें कि हम किस दर से हारे हैं, क्योंकि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जहाँ जीतने का मतलब सिखाती है वहाँ हारने का भी तरीका बताती है, हारने में भी बेसिक चाहिए। Your careers, your life. I must thank you. I must thank you again to your faculty for bringing it up. We can keep on improving the education sector because this is about you, because it is about our future, which is you, and because it is about our greatest asset, which is you. I would like to request Harvard Vice Chancellor, Engineer Professor Dr. Atul Mugu, to present shield to our Governor of Punjab and Chancellor Nizami University of Bahawalpur. Please, sir. May the Pro Vice Chancellor sir, our greetings and golden examination to the Star Asset of the Associate Institute. और इसके बाद में तमाम प्रेसिडेंट्स जितने हैं उससे भी गुजारिश करूँगा स्टेट तशरीफ में आए वो ग्रुप फोटो के लिए और उस वक्त हमारे जितने स्काउट्स हैं अपने चीफ स्काउट को उस वक्त अपने क्लैप करते रहेंगे स्काउट क्लैप है यस। और इसके बाद में एडवाइजर स्काउट्स सर एडवाइजर आपसे भी और आपके तमाम लोगों से कहना ये कि ग्रुप फोटो के बाद आपका ग्रुप फोटो है।
एक फुल फ्रेम नहीं देते अपने चीफ स्काउट के साथ आज अपनी तस्वीर खिंचवाएंगे आप लोग भरपूर क्लैप कीजिए सादिक गर्ल्स कॉलेज यूनिवर्सिटी प्लीज तशरीफ लाइए आप लोग हमारे साथ और आपकी प्रभु और करेगा